तो गाइस देखिए ज्योति अभी गरम गरम पूरियां बना रही है, छान रही है यहाँ से, और ये चूल्हे पे बना रही है लकड़ी से। ये देखिए गाइस यहाँ पे ज्योति, इधर देखो, हाय कर दो, कुछ बोलो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं आप लोग कहाँ पे हैं इस टाइम, क्योंकि हम लोग विलेज का वीडियो डाल रहे हैं, रील्स वगैरह डाल रहे हैं, शॉर्ट्स पे हमने वीडियो कुछ अपलोड किया, चूल्हे पे ज्योति खाना बना रही है और वहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो सबको यही चीज़ डाउट हो रहा, सबके मन में ऐसा लग रहा है कि हम लोग यूपी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हम लोग अभी झारखंड में ही हैं और यहीं पास के एक गाँव में आए हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो कैसा लग रहा पहले तो आप ये बताइए, और इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो ये। अगर इसी तरह का आपको और वीडियो अगर चाहिए तो हम लोग ऐसा ही वीडियो लाएंगे नेक्स्ट। अभी ज्योति खाना बना रही हो, चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए ज्योति अभी गरम गरम पूरियां बना रही है, छान रही है यहाँ से, और ये चूल्हे पे बना रही है लकड़ी से। ये देखिए गाइस यहाँ पे ज्योति, इधर देखो, हाय कर दो, कुछ बोलो, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे नानी घर वाला सीलिंग आ रहा है, मन नहीं कर रहा इधर जाने का। ये साथ में मेरा हेल्प कर रही है, जो हमेशा हेल्प करती है मेरा, और साथ में वीडियो बनाने में भी सपोर्ट करती है। देखिए गाइस जो वीडियो में थी साथ में, यही है पुष्पा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती है। इसका आईडी, इसको प्लीज फॉलो जरूर कर लीजिए, इसके साथ रील कोलैबोरेट भी किया गया है, तो इसको भी सपोर्ट कीजिए गाइस। ये भी अच्छा अच्छा रील्स बनाती है। और वहाँ पे बाबू बैठी हुई है, क्या नाम है उसका? सीमा हैदर। और यहाँ पे देखिए गाइस, दो बकरी के बच्चे आपको वीडियो में दिखाई दिए होंगे, ये देखो दोनों खेल रहे हैं। देखिए गाइस कमेंट करके, ये अभी 3 दिन के है ना ये लोग, ये बच्चे भी मात्र 3 दिन के गाइस, कैसे हैं, क्यूट लग रहे हैं ना एकदम। और इनकी मम्मी यहाँ पे और सोनू मस्त में यहाँ पे सोया, सोनू को बहुत मजा आ रहा है गाइस, पूरा दिन सो ही रहा है। इधर देखो सोनू, सोनू शर्मा रहा यार थोड़ा सा। और ये सुमन है ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये सुमन पुष्पा की बड़ी बहन, इसकी शादी होने वाली है अगले महीने। ये बेचारी चली जाएगी यहाँ से, इसकी शादी होने, मेरा शादी हो गया। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको तो जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा चूल्हा हमको रोज बनाना है खाना। तो देखिए गाइस कैसे बना रही है, कितना बार मेरा हाथ जला है हम बताए नहीं आपको। चाची कहाँ पे? मसाला, चलो कोई बात नहीं, मसाला पीस लेने दो, यही दिखा के नहीं शर्माएंगे, नहीं शर्माएंगे। तो चलिए दिखाते हैं चाची क्या कर रही है। यहाँ का घर यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मेरे नानी घर में भी ऐसा होता था, मक्की ऐसा लटका के रखते थे, और लहसुन, क्या आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है? और ये देखिए घर में भी एक चूल्हा है, और यहाँ पे कुछ बर्तन रखने वाला। तो चाची यहाँ पे अभी क्या कर रही है चाची? कोई बात नहीं चाची, यहाँ पे चाची मसाला पीस रही है गाइस, सब्जी बनेगा अभी। और ये बेर रखा हुआ है कुछ, और बाबू भी अंदर आ गई है। ये हिडन वाला रूम है यहाँ से, हम भी आ गए हैं। और ज्योति आ चुकी है अभी यहाँ पे, कुछ हेल्प करो चाची। ये बेचारी पढ़ाई कर रही थी, अभी भी आ गई यहाँ पे ना। अब हम लोग यहीं पे रहने वाले गाइस, हम लोग का बार महीना। अच्छा ये चीज कैसे मतलब लिपाई करते हैं चाची? ये वाला चीज इतना परफेक्ट, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, किसने बनाया? हाँ ये डिजाइन, ये डिजाइन मट्टी वाला डिजाइन है, कौन बनाया है? पुष्पा लिपती होगी ना तो चाची। बहुत अच्छा डिजाइन बनाई है यार, ये अच्छा लगा हमको, ऐसा लग रहा कोई पेपर बिछाया हुआ लग रहा है गाइस, देखिए ध्यान से, ऐसा लग रहा कुछ पेपर बिछाया हुआ, लेकिन हमको भी दिखाइए। हाँ तुमको भी दिखा दे रहे, रुको, साफ नहीं आ रहा गाइस क्योंकि हमारे कैमरे में फ्लैश लाइट नहीं है तगड़ा वाला, तो हम लोग अपने आईफोन की मदद से थोड़ा सा लाइट ले रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। आज ऐसे ही फर्स्ट टाइम हम लोग आज अपने कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं गाइस, ये देखिए प्याज कट गया है। अब हम मस्त अपना पूरी तलेंगे, अब ये लोग पूरा खाना बना रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आगे भी हम लोग दिखाएंगे आपको, क्या दिखाएंगे, खाना खाएंगे तभी आपको दिखाएंगे। हाँ, सही बोला, ठीक।
तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, पूरी बन चुका है और ज्योति बना रही है अभी सब्जी। सब्जी बन चुका है कि नहीं, कितना टाइम लगेगा अभी? सब्जी बन गया मेरा, हम जा रहे हैं। इसका सब्जी भी बन चुका है, दो बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं, कब खाना हम लोग को मिलेगा, दीदी के हाथों से खा के कैसा लगेगा ये लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे बैठी है दोनों बहनें। आज चूल्हा में खाना बनाने बहुत अच्छा लगा। और ज्योति आज काफी दिन बाद चूल्हे पे खाना बना रही है ना? फर्स्ट टाइम बना रही है ये चूल्हे पे खाना। कोयले की मतलब आग पे खाना बनाती थी घर में, आज यहाँ पे चूल्हे की लकड़ी से खाना बना रही है, मतलब चूल्हे पे लकड़ी से खाना बना रही है। सोनू इधर लाइट दिखा रहा है। और सोनू यहाँ पे लाइट दिखा रहा है क्योंकि हम लोग का ये दिक्कत है गाइस कि कैमरे के ऊपर लाइट नहीं है। दीदी अगर नहीं डाले, अगर नहीं डाले, तो चलिए व्लॉग में बने रहिए आप कंटिन्यू। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, यहाँ पे थाली लग चुका है गाइस, देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाना खा चुके हैं और सोच रहे घर जाने के लिए। तो ज्योति क्या बोल रही है देखिए, यहाँ पे ज्योति बोल रही है मुझे घर पे नहीं जाना, यहीं पे अच्छा लग रहा है, यहीं पे रहूँगी मैं। देखिए यहाँ पे सो रही है ज्योति, चलो घर पे नहीं जाना है। हाँ मैं इधर ही मस्त लग रहा है। और ये नीचे का इस देखिए क्या रख के सोई है, इसको तकिया नहीं मिला मेरा खाने पीने का सामान है। तकिया इसको मिल रहा था जानबूझ के, ये सोच रही है कि कोई चोरी कर लेगा इसलिए यहाँ पे रख के सोई है। इसमें निमकी है और ये क्या है, सेब है ना, पतला वाला सेब है, इसका फेवरेट है। चलना है कि नहीं घर पे, कि यहीं पे छोड़ दें? हमको नहीं जाना, को उठा के ले। देखो गाय बांधी है ना पीछे, वही पे खटिया बिछा के सो जाओ तुम। मस्त लग रहा है यार यहाँ का नाइट का व्यू, पूरा शांति एकदम ना, बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं चांद को, इतना सुकून लग रहा है ना, दिख रहा है चांद। चलो यार घर पे जाना, चलो। अब गाइस हम लोग जा रहे हैं घर पे, ज्योति पीछे बैठी हुई है और यहाँ पे पुष्पा और चाची यहाँ पे पीछे हैं, चाची पीछे हैं। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं घर पे और सोनू बाइक चलाएगा।